कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता इसकी वकालत कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें संसद में और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें जनता के बीच यानी लोगों की पहुँच में रहना होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वरिष्ठ एनसीपी नेता शरद पवार ने भी राहुल गांधी को सलाह दी थी कि उन्हें यात्रा करनी चाहिए। यात्रा लोगों से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं सहमत हूं, वे अलग हैं और अलग शैली की राजनीति करना चाहते हैं। हमें इसका मौका मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि वे संसद में अधिक सक्रिय हों और जनता की उन तक आसानी से पहुँच हो। शरद पवार ने भी उन्हें यही सलाह दी थी, उन्हें भारत में घूमना चाहिए। यात्रा लोगों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में कांग्रेस के युवा नेताओं में से एक और लोकसभा में पार्टी के वीप मणिकम टैगोर ने चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी, जिससे गुरुवार को पार्टी की आंतरिक बैठक में हुई कलह एक तरह से पुष्टि हो गई। बीते गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें कई सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने जाने की मांग की। पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी का इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़ग रहे थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रिपुन बोरा, पीएल पुनिया, छाया वर्मा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने राहुल को फिर से पार्टी सौंपने की कमान की पैरवी की। अब तो ये वक्त ही बताता है कि क्या राहुल गांधी वापस कांग्रेस की अध्यक्षता की पद संभालते हैं। एसपीएन 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।